जो महिलाओं को साड़ियां दे रहे हैं वो कभी साड़ियां खींचेंगे भी, इस बात का इल्म मतदाताओं को होना चाहिए। ये घोटाला भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे दुर्दांत घोटाला माना जाता है। सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या कर ली या उनको हार्ट अटैक से मरा हुआ बताया गया, और अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की आती है तो दर्जनों विधायक, दर्जनों मंत्री सलाखों के पीछे हों, और ये आज तो दिल्ली दरबार तक भी पहुंचेगी। शिक्षा में घोटाले, जमीनों में घोटाले, किसानों की योजनाओं में घोटाले, जल की योजनाओं में घोटाले, बैंकिंग सेक्टर के घोटाले, ई टेंडरिंग में घोटाले, और घोटाले पर घोटाले। आरएसएस की वो प्रयोगशाला है जहां पर मरे हुए लोगों का इलाज होता है, ये हेल्थ सेक्टर के घोटाले। और हिंदू राष्ट्र का मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि उसमें दलितों के लिए, वंचितों के लिए सबसे बड़ी आपदा हो। सरेआम एक भारतीय जनता पार्टी का नेता एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब करता है। आदिवासी के मुंह पर पेशाब करने का हौसला भाजपा के लोग रखते हैं, और इसलिए रखते हैं कि ताकि उनके आत्मबल को, आत्मविश्वास को तोड़ दिया जाए। लेकिन जो काम शुरू किया था कमलनाथ ने, वो था व्यापम घोटाले की सच्चाई को उजागर करना। क्योंकि मध्य प्रदेश आरएसएस की वो प्रयोगशाला है जहां पर मरे हुए लोगों का इलाज होता है, ये राहुल गांधी का वाक्य है। ये वाक्य हम सबके कानों में गूंजता है और इसकी सच्चाई की पड़ताल करने के लिए प्रेरित करता है। नमस्कार, मैं हूं रविकांत। देश नीति के विशेष कार्यक्रम अब होगा न्याय में आपका इस्तकबाल है, आपका अभिनंदन है। चर्चा मध्य प्रदेश की, वो मध्य प्रदेश जो 1 नवंबर 1956 को जब उसका नक्शा बना था, नेहरू ने उसे देख करके कहा था कि ये ऊंट जैसी आकृति वाला कैसा प्रांत होगा, भोपाल जिसकी राजधानी। लेकिन आज चुनावी बिगुल बज रहा है मध्य प्रदेश में। 17 तारीख को वोटिंग होनी है, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पेशबंदी की है वो कुछ और संकेत करती है। 2005 में शिवराज सिंह चौहान पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं, और 2018 में वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव हारते हैं, और उस हार के पीछे की जो वजहें हैं वो सुन करके शायद आपको यकीन ना हो और आपको लगे कि आरएसएस का गढ़ है मध्य प्रदेश। तो शिवराज सिंह चौहान तो बड़े साधारण और सहज किस्म के नेता हैं, और इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश की जनता इतना पसंद करती थी। लेकिन वो हार क्यों होती है, और फिर उस हार के ठीक 15-16 महीने के बाद वहां पर बीजेपी की सरकार फिर से बनती है, कांग्रेस के 22 विधायक इस्तीफा देते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी थी, वो बगावत क्यों होती है? वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सोनिया गांधी के घर बिना पूछे जा सकते थे, राहुल गांधी के साथ जिनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी, लेकिन फिर भी वो विश्वासघात करके क्यों भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं? क्या सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनना चाहते थे? और अगर वो बनना चाहते थे तो अब तक क्यों नहीं हुए? और मुश्किल तो ये है कि इन चुनावों में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा कहीं भी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं है, बल्कि शिवराज सिंह चौहान के बरक्स वहां केंद्र सरकार के और कई दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, ये तमाम लोग जिनको मुख्यमंत्री का चेहरा भी माना जा रहा है, नरोत्तम मिश्रा जो अभी खुद गृह मंत्री है। बेशक तमाम नेताओं के ये ख्वाब हो सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी भी कम मजबूत नहीं है। दरअसल ये जो पूरी पेशबंदी हुई है वो किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश को बचाने के लिए हुई है। जो 5 राज्यों के चुनाव इस समय चल रहे हैं, चुनावी कैंपेन चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा अगर किसी भी प्रदेश पर नजर रखी है
तो वो मध्य प्रदेश है, लेकिन उसकी वजह है कोई और है। उसकी वजह है वो तमाम घोटाले कि जिसकी आंच दिल्ली तक भी पहुंचेगी अगर वहां पर सरकार बदलती है। मित्रों, 2018 में जब कांग्रेस ने 230 विधानसभा सीटों में से 114 सीटों पर जीत हासिल की थी और उसे करीब करीब 41% वोट मिला था, 40.89%, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और तीन निर्दलियों के सहयोग से उसने सरकार बनाई थी। लेकिन जो काम शुरू किया था कमलनाथ ने, वो था व्यापम घोटाले की सच्चाई को उजागर करना, क्योंकि ये घोटाला भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे दुर्दांत घोटाला माना जाता है, शिक्षा घोटाला। और वो घोटाला जो 2013 में नुमाया हुआ, जिसका पर्दाफाश हुआ 2013 में, और तब से लेकर के अब तक कई आंकड़े हैं जो भयावह तस्वीर दिखाते हैं। सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या कर ली, या उनको हार्ट अटैक से मरा हुआ बताया गया, या कई संदिग्ध मौतें उसमें हुई हैं। ये भर्ती घोटाला जिसमें जांच करने वाले लोगों की संदिग्ध मौतें हुई, और इसकी शक की सुइयां तो शिवराज सिंह चौहान तक जाती थी। और यही वजह था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को 22 विधायकों के साथ बीजेपी में आखिर में शामिल कराया गया, और फिर से शिवराज सिंह चौहान गद्दी पर विराजमान होते हैं। और यही डर फिर से सता रहा है मध्य प्रदेश में कि एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 200 से ज्यादा घोटाले मध्य प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर हैं। और अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की आती है तो दर्जनों विधायक, दर्जनों मंत्री सलाखों के पीछे होंगे, और ये आंच तो दिल्ली दरबार तक भी पहुंचेगी। जिस वक्त ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे तमाम विपक्ष के नेताओं पर पड़ रहे हैं, तमाम राज्यों में पड़ रहे हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं, बेशर्मी की हालत तो ये। लेकिन मध्य प्रदेश में जो घोटाले हैं, और घोटालों की विविधता भी देखिए, आपको आश्चर्य होगा। शिक्षा में घोटाले, जमीनों में घोटाले, किसानों की योजनाओं में घोटाले, जल की योजनाओं में घोटाले, बैंकिंग सेक्टर के घोटाले, ई टेंडरिंग में घोटाले, और घोटाले पर घोटाले। इन घोटालों ने राजनीतिक विश्लेषकों की नसों में उत्तेजना पैदा कर दी है, और वो लकीरें चिंता की पैदा करती हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पेशानी पर। यही वजह है कि किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश को बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन राहुल गांधी, जिन्होंने कहा था कि ये वो राज्य है, आरएसएस की वो प्रयोगशाला है जहां पर मरे हुए लोगों का इलाज होता है, ये हेल्थ सेक्टर के घोटाले। लेकिन मैं पहले बार जिक्र करूंगा एजुकेशन सेक्टर में घोटाला, और इसलिए करूंगा क्योंकि शिक्षा मानव संसाधन निर्मित करती है। नेहरू से लेकर के और नरेंद्र मोदी तक का, पूरे भारत के प्रधानमंत्रियों का इतिहास देखिएगा तो हर प्रधानमंत्री ने करीब करीब शिक्षा को लेकर के गंभीरता दिखाई है। लेकिन इन 9.5 साल में नरेंद्र मोदी के रिजीम में सिर्फ केंद्र की ही योजनाएं नहीं, बल्कि राज्यों की योजनाएं भी लगभग चौपट हो गई हैं, और शिक्षा में घोटाले दर घोटाले हो रहे, चाहे वो बच्चों के मिड डे मील का घोटाला हो, या उनके ड्रेस का घोटाला हो, या शिक्षकों की फर्जी भर्ती का घोटाला हो, ये नर्सिंग घोटाला हो मध्य प्रदेश का, ये घोटाले क्यों, इस पर अगर आप विचार करें तो दो कारण नजर आते हैं। पहला कारण तो ये है कि ये वो सत्ता है जो खुलेआम हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। और हिंदू राष्ट्र का मतलब तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि उसमें दलितों के लिए, वंचितों के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी, और उसके कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। सरेआम एक भारतीय जनता पार्टी का नेता एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब करता है,
छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने इसी बात को रेखांकित किया कि किसी भाजपा के नेता को कभी आपने किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? लेकिन एक आदिवासी, एक मजबूर, एक गरीब, एक वंचित आदिवासी के मुंह पर पेशाब करने का हौसला भाजपा के लोग रखते हैं, और इसलिए रखते हैं कि ताकि उनके आत्मबल को, आत्मविश्वास को तोड़ दिया जाए, और इसलिए तोड़ दिया जाए क्योंकि वो सवाल न पूछे। जेएनयू से लेकर के और जामिया तक, डीयू से लेकर के हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक तमाम उदाहरण है कि जहां के विश्वविद्यालयों में ये जो पूरा हिंदुत्ववादी फासिस्ट तंत्र है वो काबिज हुआ है, और वहां के कई मेधावी छात्रों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें रोहित बेमुला भी एक कड़ी है, एक हिस्सा। सवाल नहीं पूछे जाए और लोगों को मूर्खता की हद तक गुलाम बना दिया जाए। और मध्य प्रदेश तो वो धरती है जहां पर डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था। जिस न्याय की हम चर्चा करते हैं, उस न्याय की भूमिका, उस न्याय की बार बार बात डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो पीता है वो दहाड़ता है। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की वो पूरी सरकार, वो पूरी नीति, वो पूरी विचारधारा एजुकेशन को ही खत्म कर देना चाहती ताकि लोगों को गुलाम बनाया जाए, लोग सवाल ना कर सके, अपनी नीतियों की बात ना कर सके, अपने अधिकारों की बात ना कर सके, अपने सम्मान की बात ना कर सके, और वो ना बात कर सके कि उन्हें संविधान में अधिकार क्या मिले। और इसीलिए वो व्यापम जैसा घोटाला होता है, गणवेश घोटाला होता है, नर्सिंग कॉलेज में घोटाला होता है, सर्वशिक्षा अभियान में घोटाला होता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो खुद शिवराज सिंह चौहान के पास है उसमें सैकड़ों करोड़ रुपयों का घोटाला होता है। और ये वो भारतीय जनता पार्टी है और वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने चुनावी भाषणों में ऐलान किया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन यहां तो घोटालों पर घोटाले, सैकड़ों करोड़ रुपए डकार लिए गए और कोई जांच नहीं, या जांच भी शुरू हुई तो उसका क्या नतीजा निकला किसी को कोई पता नहीं। और प्रधानमंत्री तो वो हैं जो उसी मध्य प्रदेश में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के बारे में घोटालों की बात करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वो डिप्टी सीएम हो जाते हैं महाराष्ट्र में। तो ये असली सच है नरेंद्र मोदी की उस ईमानदारी का कि किसी तरीके से बचाए रखा जाए। और दूसरा जो कारण है एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने का, दरअसल आरएसएस के अपने विद्यालय भी हैं, और जब सरकारी स्कूल, सरकारी विद्यालय बंद होंगे, वहां पर अध्यापक नहीं होंगे, वहां पर घोटाले होंगे, तो उन विद्यालयों को बड़ी आसानी से सरकार बंद कर सकती है, और फिर कहां जाएंगे बच्चे? उसमें भी जो गरीब होंगे वो अपने बच्चों को मजदूरी पर लगा देंगे, वो सस्ते लेबर होंगे अंबानी और अडानी के कारखानों में, और जो थोड़ा मिडिल क्लास होगा वो अपने बच्चों को आरएसएस के स्कूलों में भेजेगा जहां उनका ब्रेन वॉश किया जाए। ये माना जाता है कि बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, लेकिन इस देश की वो विचारधारा है जो उन बच्चों के हाथ में त्रिशूल और तलवार थमा रही, उन्हें मुसलमानों, अल्पसंख्यकों, किसी जाति के खिलाफ खड़ा कर रही है। और इसलिए मध्य प्रदेश में ये जो घोटालों की सरकार है उसको बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और ये घोटाला नहीं, मध्य प्रदेश का एक हिस्सा बुंदेलखंड है, उत्तर प्रदेश में भी बुंदेलखंड है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड है उसके कमोबेश भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक स्थिति एक जैसी है, वहां की समस्याएं एक जैसी हैं। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या वहां की बंजर जमीन है, वहां की पथरीली जमीन है, वहां जमीन से बहुत नीचे पानी है, महिलाएं कोसों दूर कभी कभी जाकर के पानी लाती हैं,
और वहां पर एक नहीं जल जीवन मिशन योजना, वहां पर नल जल घोटाला, और वो घोटाला जो बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर दिया गया था, वहां पर 100 करोड़ में से 78 करोड़ कहां गायब हो गया ये पता ही नहीं चला। जो नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर उसी बुंदेलखंड की धरती से आते हैं, तोमर साहब थोड़ा सा चंबल के इलाके से, और ये दोनों ही मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड के लोगों को पानी भी मयस्सर नहीं। पैसा अगर जाता है तो वो पैसा कहां डुबकी मार जाता है किसी को कोई पता नहीं। जो नरेंद्र मोदी राजीव गांधी के उस सच का मखौल उड़ाते थे, जो ये कहते थे कि राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया चलता है और गांव तक 15 पैसा पहुंचता है, हम तो ईमानदारी और सच्चाई के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन यहां तो 100 करोड़ में से 78 करोड़ गायब हो गया। और कहीं कहीं तो वो जो नल जल परियोजना है उसमें नल कहां है, पानी कहां है, लोग प्यासे हैं, और लोग ही नहीं जानवर भी प्यासे हैं। वो खेत जिन्हें पानी की आवश्यकता है फसल उगाने के लिए, वो खेत भी बंजर हो रहे हैं, लेकिन फल फूल रही है फसल तो आरएसएस की, दुकानें चल रही हैं तो आरएसएस की, बीजेपी सरकार बना रही है लगातार, और इसलिए वो लोगों को वंचित और गरीब रखना चाहते हैं, अशिक्षित रखना चाहते हैं, ताकि जो वोटिंग राइट उनको मिला, सबसे बड़ा इतिहास का हासिल, क्योंकि इस देश का सामाजिक इतिहास ये कहता है कि उसमें स्त्रियों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के साथ अन्याय होता रहा, उन्हें शूद्र और अछूत बना करके हाशिए के बाहर धकेल दिया गया, उन महिलाओं को जिनको कोई अधिकार नहीं था दहलीज के भीतर थी, उन्हें पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन भारत के लोकतंत्र ने, आजादी के आंदोलन ने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को वोटिंग राइट होगा। और बाबा साहब अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को जिस चुनौती को सामने रखा था कि आज हम यानी 26 जनवरी 1950 से हम राजनीतिक रूप से तो समान होने जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता का सवाल अभी बाकी है। ये लोकतंत्र में प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही थी, और अंबेडकर ने यह भी कहा था कि अब किसी क्रांति की जरूरत नहीं है, जो लोकतंत्र है, जो चुनाव का तंत्र है, लोगों के लिए सरकारें नीतियां बनाएंगी और सामाजिक आर्थिक न्याय होगा, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होगा। लेकिन जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन्होंने इस देश को इतना चूसा है कि लोगों का जो उनके अधिकार हैं, वो अधिकार बेहद कमजोर, उनको अपमानित किया जा रहा है, और जब वो गरीब होंगे तो फिर वो अपने वोट को बेचेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों तक ये बात भी पहुंचाना चाहता हूं कि जो शराब देने आएंगे आपको, वो कल को आपके मुंह पर पेशाब करेंगे, जो उस आदिवासी के मुंह पर पेशाब करेंगे, जो महिलाओं को साड़ियां दे रहे हैं वो कभी साड़ियां खींचेंगे भी। इस बात का इल्म मतदाताओं को होना चाहिए। लोकतंत्र मजबूत तभी होता है तब मतदाता ईमानदार होता है, मतदाता को अपने अधिकार का भान होता है, और जैसे जैसे लोकतंत्र कमजोर होता है, सरकारों की जवाबदेही कम होती है, वैसे वैसे घोटाले बढ़ते हैं, और यही मध्य प्रदेश में हुआ, खास करके शिवराज सिंह चौहान की सरकार 2005 से लेकर के 2023 तक, केवल उन 15-16 महीनों को छोड़ दें तो अनवरत शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री। लेकिन अब तलवार सिर पर है कि अगर सरकार बदल गई तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो सवाल आज खड़े कर रहे हैं, जो दिग्विजय सिंह ने नर्मदा आंदोलन में खड़े किए थे, जिन किसानों की बात की थी, किसानों का आंदोलन खड़ा हुआ था, अंबानी को वहां जमीनें दे दी गई थी, वो जमीनें किसानों को वापस नहीं, 2 कौड़ी के भाव में किसानों के लिए वो 3 काले कानून आए थे, लेकिन ये देश ऋणी रहेगा उन किसानों का जिन्होंने 13 महीने घेरेबंदी की दिल्ली की, और वापस
उन अधिकारों को प्राप्त किया और 3 काले कानूनों को समाप्त करवाया, लेकिन नरेंद्र मोदी और अडानी की निगाहें उन पर लगी हुई हैं। इन घोटालों की अगर आप फेरिस्त देखें, बड़ी लंबी फेरिस्त, और उसको गिनाना या उसको दर्ज कराना मेरा मकसद नहीं, लेकिन जरा उसका नमूना देखें। और इन घोटालों में हद तो ये है कि जो बीजेपी ये कहती है कि हम परिवारवाद को नहीं मानते, विपक्ष परिवारवादी है, लेकिन इन घोटालों में, व्यापम घोटाले में तो शिवराज सिंह चौहान उनकी पत्नी का भी नाम है, एक घोटाले में उनके साले का भी नाम आता है, तो यहां तो खेल चल रहा है पति पत्नी और साले तक का। ये परिवारवाद जहां पर लूटा जा रहा है। और अधिकार, मैं फिर से एक बात उस एजुकेशन की बात करूं, मुझे राहुल गांधी का कल का छत्तीसगढ़ का और कई भाषण याद आ रहे, इसमें उन्होंने कहा कि जो नेताओं के बच्चे हैं, और शिवराज सिंह चौहान का एक बेटा LLM कर रहा है, उसकी डिग्री लेने के लिए शिवराज सिंह चौहान गए थे, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि ये अधिकार और ये अवसर सारे बच्चों को मिलना चाहिए। यहां तो आप विश्वकर्मा योजना के जरिए बढ़ई को सिर्फ बढ़ई गिरी करने के लिए, मोची सिर्फ जूता बनाएगा, नाई सिर्फ बाल कटेगा, आप ये दे रहे हैं, लेकिन एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बच्चा, एक दलित और आदिवासी का बच्चा, वो भी पायलट बनने का सपना देखे, वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, वो भी IAS बनने का सपना देखे, ये ख्वाब तभी पूरा हो सकता है जब एजुकेशनल सेटअप ठीक ढंग से काम कर रहा। लेकिन यहां तो घोटालों की इतनी लंबी बाढ़ है कि जिसने उस पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। जरा एक दो आप उदाहरण देख लें, वो आदिवासी इलाका है, 21% आबादी है मध्य प्रदेश, 16% करीब वहां पर दलित हैं और आदिवासी गरीब हैं, वो तेंदू पत्ता चुन करके बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। तेंदू पत्ता में भी घोटाला कर दिया, लाभांश वितरण में भी घोटाला कर दिया, और वहां पर सड़कें बनी, सड़कों में घोटाले, डामर घोटाला। और ये तो हिंदुत्ववादी है, गाय को पूजने वाले हैं, सो कॉल्ड पूजने वाले हैं, वो भी गौशाला में घोटाला कर देते हैं। और जो भारत माता की बात करते हैं, जननी जनभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसे, जो धरती को मां कहते हैं, लेकिन मां के लिए वो क्या करते हैं, जननी प्रसव घोटाला भी, माने इन्होंने मां को भी नहीं छोड़ा, स्त्री को भी नहीं छोड़ा, तकिया गद्दा खरीदी घोटाला, एक्सरे टेक्नीशियन घोटाला, किताब छपाई घोटाला, कपिल चारा घोटाला। लालू प्रसाद यादव को तो जेल हो गई, लेकिन यहां पर चारा बिक भी गया, चारा खाया भी गया और चारा का दाम भी घर आ गया, लेकिन कोई जांच नहीं। आप ही जज हैं, आप ही वकील हैं, आप ही सब कुछ हैं, क्योंकि दिल्ली दरबार बैठा हुआ है सुरक्षा में। इसलिए शिवराज सिंह चौहान को बचाया गया, और वो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान तक मामला नहीं था, उसमें फेरिस्त तो सैकड़ों नेताओं तक पहुंचती, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वो आज तो दिल्ली दरबार तक पहुंचने वाली थी। स्कूल में बच्चों के वजीफे खा गए, कन्यादान में नकली जेवर बांट दिया, लाडली योजना चल रही है ना, जैसे रैंप पर मॉडल चलते हैं ना, वैसे ही सो कॉल्ड मामा शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के लिए 500 दू, 1000 दू, 1500 दू, उस तरह का जुमला कर रहे थे जैसे नरेंद्र मोदी ने बिहार में किया था। वो बिहार भी हारे थे और अब मध्य प्रदेश की बारी है कि जहां पर बीमा खरीद घोटाला, यहां पर राजीव गांधी बिजली करण की योजना में घोटाला, जहां पर बच्चों को मोबाइल देना था उसके वितरण में घोटाला, जो आपदा निधि है उसमें घोटाला, भूमि लीज घोटाला, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में घोटाला। और इसलिए घोटाला कि ऐसे पत्रकार नहीं बनाना है जो सोचते हो, जिन्हें लोकतंत्र के बारे में जानकारी हो, जो अपने विवेक से काम लेते हो, उनको तो ऐसे मीडिया कर्मी चाहिए जो उनकी भांड मंडली में तब्दील हो जाए,
जो सिर्फ सरकार का बैंड बजाए, और इसलिए पूरे सिस्टम में घोटाला दर घोटाला, पोस्टमैन भर्ती घोटाला, सड़क निर्माण में घोटाला, एलईडी में घोटाला, इंदौर सीवेज में घोटाला। अरे दलितों पर थोड़ी रहम कर देते, वो दलित जो सदियों से इस देश में सफाई कर रहा है, सारे वो काम कर रहा है, मेहनत के काम कर रहा है, उनको उनका सरकारीकरण करने, उनको नियमित करने के बजाय सीवेज में साल दर साल लोगों की मौतें हो रही, लेकिन उसमें भी घोटाला। और ये बात करेंगे हिंदुत्व की, हिंदू एकता की बात करेंगे, लेकिन असल में इन्हें दलित के बच्चे स्कूलों में नहीं चाहिए, इन्हें आदिवासियों के बच्चे कहीं बैंक में नौकरी करते हुए नहीं चाहिए, और प्रोफेसर पत्रकार तो कतई नहीं चाहिए, क्योंकि वो सवाल करते हैं। और इसलिए एक ऐसा तंत्र चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें उत्तरदायित्व ना हो, जिसमें कोई ये ना पूछे कि छिंदवाड़ा बांध में क्या घोटाला हुआ है, अस्पताल की सफाई योजना में क्या घोटाला हुआ है, नल कनेक्शन योजना की मैं बात कर चुका हूं, इंदौर सीवेज घोटाला, एलईडी घोटाला, जनश्री बीमा योजना, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां पर घोटाले ना हुए। धनाढ्य हो गए नेता और जनता हुई गरीब। इस देश का किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी अगर आज भी हाशिए पर तड़प रहा है, तो उसके पीछे ये सिस्टम है, जो सिस्टम साल दर साल, जिस पर कोई जांच नहीं, जिन पर कोई आंच नहीं, क्योंकि ईडी सीबीआई उनके हाथों के कुत्ते हैं, और वो सिर्फ वही काम करते हैं जो उनका विरोध करते हैं, उन पर सवाल खड़े करते हैं, उनके प्रतिपक्ष में होते हैं, लेकिन जो माल पानी पैदा करते हैं, जो अपने बच्चों को अमेरिका यूरोप पहुंचाते हैं, और जो उस हिंदुत्व की उस पूरी सरकार में सहयोगी होते हैं, उनकी जांच नहीं होती। लेकिन मतदाता जैसे जैसे जागरूक होगा, लोकतंत्र वैसे ही मजबूत होगा, और ऐसे चोरों का, ऐसे घोटालेबाजों का स्थान नहीं होगा। सरकार बदलेगी तो ये घोटाले भी खुलेंगे, और सैकड़ों लोग वहां होंगे, असल में वहां होंगे, जिसका डर नरेंद्र मोदी दिखाते हैं। असल में डर वही है कि अगर बदल गई सरकार तो फिर इन जांचों का क्या होगा। शुक्रिया। देशनीति के इस कार्यक्रम को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और अपना कमेंट जरूर दें। हमारी कोशिश है कि इस देश के लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित किया जाए, और एक ऐसी पत्रकारिता को मजबूत किया जाए जो सरकार से सवाल कर सके, सरकार को उत्तरदायी बना सके। इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही, आज के लिए शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी खास मुद्दे के साथ। बहुत धन्यवाद।